Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK. मेरा नाम है अपूर्वा भारती और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इफको एजीटी मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ था। आज हम इस क्वेश्चन पेपर को पूरे डिटेल में देखेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसको डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोग इफको एजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा आपको 1600 रुपीज़। अभी 60% ऑफ चल रहा है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप अभी कोर्स लेते हैं तो अब आपको कम प्राइस पड़ेगा, नहीं तो अगर ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो आपको 4000 रुपीज़ इसका प्राइस पड़ेगा। जल्दी करिए और अभी ऑफर रहने तक आप इस कोर्स को लीजिए। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे, तो इस कोर्स में आपको दिया जाएगा रिकॉर्डेड सेशंस, इसमें आपको मिलेंगे स्टडी मटेरियल्स और इसमें आप 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल हैं, जिससे आप खुद को एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक हमारे यहाँ से जो है 25+ स्टूडेंट का जो है इफको एजीटी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जो कि मैक्सिमम है पूरे इंडिया में। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। इस कोर्स में आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। यहाँ पे आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं होगी और ये जो कोर्स है ये वैलिड रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होता, इसलिए आप हरी अप करिए और जल्दी से इस कोर्स को परचेस करिए। कोर्स को परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं या फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर है इससे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको इस कोर्स की फुल डिटेल्स मिल जाएगी या फिर आपको और भी क्वेरीज है तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और भी एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड के किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को इंस्टॉल करें। वहां से आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम्स की कोर्स जो है अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐप से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो जाइए और हमारे गूगल प्ले स्टोर से जो हमारा ऐप को डाउनलोड करिए। चलिए अब देखते हैं इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर इंक्लूडेड इन विच मेथड ऑफ एक्सटेंशन। जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं इसको किस मेथड ऑफ एक्सटेंशन में जो है इंक्लूड किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मास। तो जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है इसको जो है मास मेथड ऑफ एक्सटेंशन में जो है इंक्लूड किया गया है। ये एग्जाम्पल किसका है, तो मास मेथड ऑफ एक्सटेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसेक्टिसाइड विच इज़ यूज एज सॉइल एप्लीकेशन इज। तो ऐसा कौन सा इंसेक्टिसाइड है जिसको हम लोग सॉइल में एप्लीकेशन कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड मतलब क्या, कि ऐसा केमिकल्स जिसको इंसेक्ट्स को मारने के लिए हेल्प करे उसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। और उसको हम लोग कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो सॉइल में। तो कौन सा इंसेक्टिसाइड जो हम लोग सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मतलब हम लोग यहाँ पे फोरेट, कार्बोफ्यूरॉन, क्लोरोपाइरीफॉस, ये तीनों जो है इसको हम लोग जो है इंसेक्टिसाइड के तौर पे यूज़ करते हैं और इस तीनों को जो है हम लोग सॉइल में अप्लाई करते हैं सॉइल की जो इंसेक्ट्स है उसको मार सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ गिवन सीरीज इज ऑलवेज लेस देन इट्स। तो जो ज्योमेट्रिक मीन है किसी भी गिवन सीरीज का वो हमेशा कम किससे रहेगा, तो जो ज्योमेट्रिक मीन है किसी भी गिवन सीरीज का वो हमेशा कम रहता है अर्थमेटिक मीन से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थमेटिक मीन। तो ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन है ये अगर कोई भी गिवन सीरीज में दिया रहा है तो वो हमेशा कम रहता है अर्थमेटिक मीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, एडिबल पार्ट ऑफ फिग इज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो फिग है इसका एडिबल पार्ट क्या है, मतलब कि फिग में जो है ये जो फिग फ्रूट होता है इसमें हम लोग कौन सा पोर्शन खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लैशी रिसेप्टेकल। तो जो फिग है यहाँ पे हम लोग इसका फ्लैशी रिसेप्टेकल को जो है हम लोग यहाँ पे खाते हैं, तो जो फिग का एडिबल पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, तो फ्लैशी रिसेप्टेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ नंबर, द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड एज। तो जो फिजिकल कंडीशन होता है किसी भी सॉइल का वो यहाँ पे रिलेशन दिखाता है प्लांट ग्रोथ से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल टिल्थ। जो सॉइल टिल्थ होता है वो क्या होता है, कोई भी फिजिकल कंडीशन जो होती है सॉइल की वो वहाँ पे डायरेक्टली रिलेट रहता है प्लांट ग्रोथ से। अगर हमारी जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन अच्छी है तो वहाँ पे प्लांट ग्रोथ अच्छा होगा, अगर फिजिकल कंडीशन सॉइल की अच्छी नहीं है तो वहाँ पे प्लांट ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो ये जो रिलेशन दिखाता है ये किसके कौन दिखाता है, तो सॉइल टिल्थ। इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन है सॉइल टिल्थ। तो ध्यान रखना है जो फिजिकल कंडीशन है सॉइल की वो रिलेशन रहता है क्योंकि प्लांट ग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं सॉइल टिल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स नंबर, ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विद। जो ब्लू रिवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है, तो जो ब्लू रिवोल्यूशन है ये फिश से रिलेटेड है। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी फिश।
ब्लू रिवोल्यूशन जो है ये फिश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर, स्कफिंग इज इम्पोर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस परफॉर्म इन। जो स्कफिंग है ये एक तरह का कल्चर प्रैक्टिस है, इसको हम लोग कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो ये जो है कॉमनली जो है कॉफी में परफॉर्म किया जाता है स्कफिंग प्रोसेस को। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉफी। आपको ध्यान रखना है जो स्कफिंग है एक तरह का क्या है, इम्पोर्टेंट कल्चर प्रैक्टिस है जो कि कॉफी में परफॉर्म होता है, सो कॉफी में जो है हम लोग कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम सॉइल एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सस्की ऑक्साइड इज नोन एज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर सॉइल में से सिलिका को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, सिलिका को रिमूव कर दिया जाए और वहाँ पे क्या करते हैं एक्यूमुलेशन हो जाए किसका, सेस्की ऑक्साइड में। जैसे ये सॉइल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है सिलिका यहाँ पे रिमूव हो रहा है, हट रहा है, और यहाँ पे सेस्की ऑक्साइड जो यहाँ पे जमा हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लैटराइजेशन। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लैटराइजेशन। लैटराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो सिलिका का अमाउंट है वहाँ पे वो घटता है, मतलब रिमूव होता है, और उसी के साथ जो है जहाँ पे सेस्की ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होता है, मतलब सेस्की ऑक्साइड वहाँ पे वो जमा होता है और सिलिका वहाँ पे हटता है, उसको क्या बोलते हैं, लैटराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज थर्मो इनसेंसिटिव। तो कौन सा क्रॉप जो है ये थर्मो इनसेंसिटिव है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सनफ्लावर। तो जो सनफ्लावर है ये थर्मो इनसेंसिटिव क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर, द प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन इज। जो इथाइलिन है इसका प्रिकर्सर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथ्योनिन। तो जो मिथ्योनिन है ये इथाइलिन का प्रिकर्सर है। इथाइलिन क्या है, इथाइलिन एक तरह का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये जो है मेनली हेल्प करता है किसमें, राइपनिंग है, जो फ्रूट्स की राइपनिंग होती है ये इथाइलिन जो यहाँ पे हेल्प करता है, तो इथाइलिन का प्रिकर्सर कौन है, तो मिथ्योनिन जो है वो इथाइलिन का प्रिकर्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर, द टर्म हार्वेस्ट इंडेक्स वॉज गिवेन बाय। जो टर्म है क्या हार्वेस्ट इंडेक्स वो किसके द्वारा दिया गया है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड। तो जो हार्वेस्ट इंडेक्स है ये डोनाल्ड ने जो है दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर, द कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। जो कर्व होता है जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो किस शेप का होता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल शेप। आप देखेंगे नॉर्मली की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ पे इस तरीके का कर्व बनेगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल शेप। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो किस शेप का होता है, बेल शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर, डिफ्यूजिंग ऑफ सीड इज बिफोर सोइंग इज डन इन। तो क्या कह रहे हैं कि हम लोग सीड का क्या कहते हैं, डिफ्यूजिंग कर देते हैं बोने से पहले, ठीक है, अगर हम लोग सीड को अगर बोने से पहले बिफोर सोइंग क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजिंग कर रहे हैं सीड का, तो हम लोग किसमें करते हैं ये प्रोसेस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉटन। तो ये जो प्रोसेस है डिफजिंग का जो हम सीड में करते हैं बिफोर सोइंग उसको बोने से पहले कहाँ करते हैं, किस टाइप ऑफ क्रॉप में, तो कॉटन में हम इसको जनरली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्क डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज। तो जो बल्क डेंसिटी है ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू पूछा है कि बल्क डेंसिटी कितना कितना होगा ऑर्गेनिक मैटर का, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.5 ग्राम पर सीसी। तो जो बल्क डेंसिटी होता है ऑर्गेनिक मैटर का वो कितना होता है, तो 0.5 ग्राम पर सीसी जो होता है ये इसकी वैल्यू होती है ऑर्गेनिक मैटर की, बल्क डेंसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर, रिटार्डेशन इन लिंट डेवलपमेंट इन कॉटन इज कॉज्ड बाय। जो रिटार्डेशन होता है लिंट के डेवलपमेंट का कहाँ पे, कॉटन में। तो जब जो लिंट का जो डेवलपमेंट है वो अगर रुकने लग जाएगा कॉटन में, तो वो किसके द्वारा ऐसा होता है, क्या वहाँ पे कौन सा जो पेस्ट है वहाँ पे अटैक करता है जिसकी वजह से जो लिंट का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, तो ये यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पिंक बॉलवॉर्म। तो ये पिंक बॉलवॉर्म जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल रहता है कहीं भी जो लिंट का डेवलपमेंट है उसको रिटार्ड करवाने में, कौन से क्रॉप में, तो कॉटन क्रॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर, द ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट ऑफ जीन रेगुलेशन वाज प्रपोज्ड बाय। जो ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट है कोई भी जीन रेगुलेशन में किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, कौन से साइंटिस्ट ने इसको जो है फर्स्ट डिस्कवर किया था ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट को, कहाँ पे, तो जीन रेगुलेशन में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैकॉब एंड मोनोड। जैकॉब एंड मोनोड थे, इन्होंने जो है ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था जीन रेगुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर, विच वन ऑफ द स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोग्राम प्लानिंग। जब भी हम प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पे कौन सा स्टेप जो है यहाँ पे जो है नहीं इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्जीक्यूट प्लान। जो एग्जीक्यूट प्लान है ये प्रोग्राम प्लानिंग का स्टेप नहीं है। इसके अलावा जो कलेक्ट फैक्ट्स है, यहाँ पे हम लोग फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज सिचुएशन, जो सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कैसा सिचुएशन है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारे स्टेप्स है प्रोग्राम प्लानिंग है, बट हम लोग वहाँ पे प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ये कोई स्टेप नहीं है प्रोग्राम प्लानिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
ন্যাশনাল ব্যাংক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট কেম ইন্টু এক্সিস্টেন্স অন। তারপরে ক্যা বলা যে ন্যাশনাল ব্যাংক ফর অ্যাগ্রিকালচার রুরাল ডেভেলপমেন্ট, নেমলি ক্যা নাবার্ড। নাবার্ড যো হে কব আয়া থা, ইসকা কব এস্টাবলিশমেন্ট হুয়া থা, তো ক্যা হোগা, ইয়ে 12 জুলাই 1982 কো যো হে এস্টাবলিশ হুয়া থা। আনসার যায়েগা অপশন এ 12 জুলাই 1982। তো নাবার্ড কা ফুল ফর্ম হ্যা ন্যাশনাল ব্যাংক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, কব আয়া থা, তো 12 জুলাই 1982 মে যো হে ইয়ে ইন্ট্রোডিউস কিয়া গিয়া থা। নেক্সট কোশ্চেন পে আতে হ্যাঁ 19 নম্বর, লিটল লিফ অফ ম্যাঙ্গো ইজ কজড ডিউ টু। जो लिटिल लीफ ऑफ मैंगो होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो लीफ की साइज होती है मैंगो की वो छोटी हो जाती है, कि किसके द्वारा होता है, यहाँ पे क्या ऐसा होता है, क्या पेस्ट अटैक होता है या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से जो है यहाँ पे लिटिल लीफ ऑफ मैंगो देखने को मिलता है। ये जो है मेनली जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक डेफिशिएंसी। तो लिटिल लीफ ऑफ मैंगो ये कॉज होता है ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी। अगर यहाँ पे हम लोग जिंक अगर दे देंगे मैंगो में सही मात्रा में, तो क्या होगा, लिटिल लीफ जो है वहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर, जेनेटिकली मोस्ट प्योर सीड इज। तो जो जेनेटिकली जो है जीन्स के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट प्योर सीड कौन सा होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर सीड। तो जेनेटिकली मोस्ट प्योर सीड जो है वो न्यूक्लियर सीड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर, नॉचिंग इन ब्रिंजल लीव्स इज कॉज बाय फीडिंग ऑफ। जो नॉचिंग जो देखने को मिलता है ब्रिंजल लीव्स में, ये किसके वजह से होता है, क्या यहाँ पे जो फीड करता है, कौन सा इंसेक्ट जो पेस्ट है, कौन सा पेस्ट जो है यहाँ पे ब्रिंजल लीव से फीड करता है जिसकी वजह से नॉचिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एश विविल। जो एश विविल है ये फीड करता है ब्रिंजल के लीव्स में, ब्रिंजल क्या बैगन, बैगन के लीव्स में जो है यहाँ पे फीड करता है जिसकी वजह से क्या नॉचिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, हाइड्रोजन बाउंड बॉन्ड फाउंड इन विच क्ले मिनरल। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, जो एच बॉन्ड होता है, ये कौन से क्ले मिनरल में देखने को मिलता है, तो ये मेनली आपको केओलानाइट में देखने को मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केओलानाइट। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये केओलानाइट क्ले मिनरल में जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 23 नंबर, ह्यू डिनोट्स। जो ह्यू होता है ये क्या डिनोट करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोमिनेंट स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम के बारे में बताता है कि कौन ह्यू। जो मुंसेल चार्ट होता है यहाँ पे तीन होता है, ह्यू, क्रोमा एंड वैल्यू, और इसमें जो ह्यू है ये क्या डोमिनेट करता है, ये क्या बताता है, ये डोमिनेंट स्पेक्ट्रम के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 नंबर, सॉयल कोलॉइडल पार्टिकल शोज अ फेनोमेनन। जो सॉयल कोलॉइडल पार्टिकल होता है ये कौन सा फेनोमेनन शो करता है, तो यहाँ पे ये जो है तीनों फेनोमेनन शो करता है। जो सॉयल कोलॉइडल पार्टिकल है ये प्लास्टिसिटी भी शो करता है, एडिशन कोहेशन भी शो करता है एंड फ्लॉकुलेशन भी शो करता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। प्लास्टिसिटी मतलब क्या है कि सॉइल कलर पार्टिकल है यहाँ पे जो हम लोग कैसा भी शेप दे सकते हैं, इसका जो प्लास्टिसिटी की वजह से जो यहाँ पे ये डिफरेंट शेप में जो मोल्ड हो सकता है। एडिशन कोहेशन क्या, ये एक तरह का बॉन्ड है, अगर अगर दो यहाँ पे जो है जो सॉइल कलर पार्टिकल होता है ये जो है एडिशन एंड कोहेशन वाला जो प्रॉपर्टी है ये शो करता है। और एक है फ्लॉकुलेशन, फ्लॉकुलेशन मतलब क्या, अगर जो पार्टिकल है उसको हम लोग अगर डाल देंगे पानी में तो वहाँ पे क्या होगा, वो जमा हो जाएगा, फ्लॉकलेट कर जाएगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या कर जाता है, फ्लॉकलेशन प्रॉपर्टी जो शो करता है कौन, सॉइल कोलॉइडल पार्टिकल। और जो एडिशन है ये क्या होता है, एडिशन, एडिशन मतलब कि जो डिसिमिलर पार्टिकल है उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। और कोहेशन क्या है, ये जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्लास्टिसिटी है, एडिशन, कोहेशन, फ्लॉकुलेशन, ये जो तीनों हैं ये तीनों क्या है, किसका प्रॉपर्टी है, तो सॉइल कोलॉइडल पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज इज। जो इकोनॉमिक लॉज है इसका नेचर क्या है, तो ये पॉजिटिव नेचर का है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पॉजिटिव। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज क्या है, तो जो इकोनॉमिक लॉज है ये पॉजिटिव नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर, मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई वाटर आर कॉल्ड एज। जो मटेरियल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपोजिट होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलुवियम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एलुवियम। तो जो भी जो मटेरियल्स है या फिर सैंड पार्टिकल है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, जो दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे फिर डिपॉजिट हो जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ किसके वजह से, वाटर की वजह से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलुवियम। अगर ये विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, अगर यही जगह मटेरियल से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंड डिपोजिट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोलुवियम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वाटर एंड ग्रेविटी में, अगर वाटर की हेल्प से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल एंड डिपोजिट हो रहा है उसको बोलेंगे एलुवियम, एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी अगर कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है फिर डिपोजिट हो रहा है उसको बोलेंगे कोलुवियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन डज नॉट फॉलो लोकल कंट्रोल। तो कौन सा डिजाइन जो है यहाँ पे लोकल कंट्रोल जो प्रोसेस है वो नहीं होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कम्प्लीटली रैंडमाइज डिजाइन। जो कम्प्लीटली रैंडमाइज डिजाइन होता है यहाँ पे जो है लोकल कंट्रोल नहीं फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। द इंक्रीज इन विगर और ग्रोथ ऑफ अ हाइब्रिड ओवर द पेरेंट्स इज नोन एज। जो विगर में इंक्रीज होता है या फिर किसी ग्रोथ में अगर जो है देखने को मिलता है किसी भी हाइब्रिड में ओवर द पेरेंट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि अगर अगर कोई पेरेंट्स से कंपेयर किया उसका ऑफस्प्रिंग जो है वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे विगर दिखा रहा है, मतलब अपना जो उसका कैपेसिटी बहुत अच्छा कैपेसिटी दिखा रहा है कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर का, तो वहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हेट्रोसिस। तो जो हम लोग अगर किसी भी ऑफस्ट्रिंग में अगर इंक्रीज देखने को मिलते हैं या फिर उसे ग्रोथ ऑफ हाइब्रिड में या फिर जो उसका विगर है या फिर कोई भी अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा उसका अच्छा क्वालिटी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 29 नंबर। स्पिनोसैड इज अ, तो स्पिनोसैड क्या है? यहाँ पे जो है ये कॉन्टैक्ट पॉइजन भी है स्टोमक पॉइजन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ। तो जो स्पिनोसैड है ये एक कॉन्टैक्ट पॉइजन भी है स्टोमक पॉइजन भी है, और ये कॉन्टैक्ट में भी आता है बॉडी सर्फेस पे तो यहाँ पे ये पॉइजन करेगा, या फिर ये स्टोमक में भी अगर ये जाता है तो वहाँ पे भी ये पॉइजन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर। द स्मॉलेस्ट बी अमंग द फॉलोइंग बी इज, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो स्मॉलेस्ट बी है ये कौन सा बी है इसमें से? तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा ऑप्शन सी एपिस फ्लोरिया। तो एपिस फ्लोरिया जो है ये स्मॉलेस्ट बी है, जहाँ पे अगर हम लोग हनी बीज को रेयर करते हैं सो कि हम लोग ऑब्टेन करें हनी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। तो आपको ध्यान रखना है कि एपीकल्चर एक ऐसा ब्रांच है एंटेमोलॉजी का जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग रेयरिंग करते हैं हनी बीज का सर के, वहाँ पे जो है हनी ऑब्टेन हो और उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। और स्मॉलेस्ट बी क्या है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट बी जो है यहाँ पे एपिस फ्लोरिया जो है ये स्मॉलेस्ट बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंजेस। जो डिफरेंस होता है किसी किसी भी जो वैल्यू यूज हो रहा है एंड जो वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कंज्यूमर सरप्लस। तो डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू इन यूज, जो वैल्यू यूज हो रहा है और उसके बीच के डिफरेंस के साथ वैल्यू इन एक्सचेंज, ये दोनों का डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर। विच इज नॉट एन एंटीबायोटिक, जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सा जो है ये एंटीबायोटिक नहीं है? यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोफ्यूरॉन। जो कार्बोफ्यूरॉन है ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक तरह तो क्या है, इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, जो इंसेक्ट्स को मारने में हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड। ऐसा केमिकल जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इंसेक्ट्स को मार सकते हैं, तो क्या होगा उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स। और ये जो कार्बोफ्यूरॉन है ये एक तरह का क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है। और बाकी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन है, ये सब क्या, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है कि जो ग्रोथ जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उसको रोक दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 33 नंबर। द काउजल ऑर्गेनिज्म विच इज इन्वॉल्व इन अर्ली प्लैटो पोटैटो इज, तो जो कौन सा काउजल ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से अर्ली प्लैटो पोटैटो होता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्टरनेरिया सोलानी। तो जो अर्ली प्लैटो पोटैटो है इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से अल्टरनेरिया प्लैट होता है पोटैटो में, कौन काउज करता है? तो अल्टरनेरिया सोलानी की वजह से यहाँ पे अर्ली प्लैट होता है पोटैटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। द बेस्ट मेथड फॉर डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट इज, बेस्ट मेथड क्या है जिससे हम लोग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हम लोग जो है डेवलप कर सकते हैं? डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट मतलब क्या, कि ऐसा प्लांट जिसमें जो है यहाँ पर डिजीज नहीं हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो जाए। अगर यहाँ पे अगर डिजीज हो, अटैक मतलब हो रहा है प्लांट में, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिम्टम्स ही देखेंगे, उसको भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ पे क्या होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट रहेगा किसी भी डिजीज का, तो उसको क्या बोलेंगे, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। यहाँ पे बेस्ट मेथड क्या है सर कि हम लोग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप कर सके? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक क्रॉसिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैक क्रॉसिंग। जो बैक क्रॉसिंग है ये बेस्ट मेथड है फॉर डेवलपिंग द डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर। द फर्स्ट फाइटो एलेक्जीन टू बी प्योरीफाइड इज, द फर्स्ट फाइटो एलेक्जीन क्या है जिसको हम लोग प्योरीफाई किए हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिसाटीन। जो पिसाटीन है ये फर्स्ट फाइटो एलेक्जीन है जिसको जो है हमने प्योरीफाई किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पिसाटीन है ये क्या है, फर्स्ट फाइटो एलेक्जीन है जिसको प्योरीफाई किए हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर। द सिल्क दैट इज रेयर्ड इन इंडोर, तो ऐसा कौन सा सिल्क है जिसको हम लोग इंडोर में रेयरिंग प्रोसेस जो है करते हैं? मतलब क्या इंडोर मतलब क्या, कि घर के अंदर ही हम लोग जो है सिल्क को रेयर करते हैं।
आउटडोर मतलब क्या कि हम लोग घर के बाहर जहाँ पे रेयरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं फील्ड में, जहाँ पे अगर रेयरिंग प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं आउटडोर। तो ऐसा सिल्क जिसका रेयरिंग प्रोसेस अगर हम लोग इंडोर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कौन सा सिल्क है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब मलबेरी सिल्क एंड एरी सिल्क दोनों जो है हम लोग इंडोर इसकी रेयरिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 37 नंबर, विच फ्रूट्स इज कॉल्ड एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, किस फ्रूट को जो हम लोग एप्पल ऑफ ट्रॉपिक बोलते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुआवा, जो गुआवा है इसको हम लोग एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, गिफिन गुड्स रेफर टू, जो गिफिन गुड्स है ये किस टाइप ऑफ गुड्स को रेफर करता है। तो ये जो इन्फीरियर गुड्स को जो है यहाँ पे ये रेफर करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इन्फीरियर गुड्स। तो जो गिफिन गुड्स है ये किस तरह का गुड्स को ये इंडिकेट करता है, तो इन्फीरियर टाइप ऑफ गुड्स को जो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर, द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन इज टेस्टेड बाय। तो अगर हम लोग को मल्टीपल कोरिलेशन का अगर टेस्ट करना है, अगर हम लोग को उसका सिग्निफिकेंस जानना है, तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हम लोग एफ टेस्ट के हेल्प से जो है यहाँ पे हम लोग जो सिग्निफिकेंस है ये मल्टीपल कोरिलेशन का वो टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी एफ टेस्ट। तो ध्यान रखना है कि जो सिग्निफिकेंस होता है किसी मल्टीपल कोरिलेशन का उसको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एफ टेस्ट के हेल्प से हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेसिस्टेंसेस, जो होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस है इसके फादर कौन है। तो यह जो है आर एच पेंटर जो है ये होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस के फादर हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आर एच पेंटर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस के जो फादर है वो कौन है, आर एच पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर, क्या बोल रहा है, द प्लाव यूज फॉर मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन इज, ऐसा प्लाव जिसको हम लोग क्या यूज करते हैं किसके लिए, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। जैसे हम लोग मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन करते हैं तो कौन सा प्लाव हम लोग यूज करते हैं फील्ड में, जिससे हम लोग मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइजल प्लाव। जो चाइजल प्लाव है एक ऐसा प्लाव है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम मॉइस्चर कंजर्वेशन क्या कि जैसे सॉइल है वहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर वहाँ पे सॉइल जो उसकी नमी है सॉइल की, वो अगर वहाँ पे रह रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मैक्सिमम मॉइस्चर। तो सॉइल में मॉइस्चर रहना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट का ग्रो होगा, क्योंकि प्लांट को जो यहाँ पे वाटर की जरूरत होती है, फोटोसिंथेसिस में उसको हेल्प चाहिए होता है, इसकी वजह से जो है जो मॉइस्चर वहाँ पे रहना बहुत जरूरी है सॉइल में। और वो हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं मैक्सिमम सॉइल कंजर्वेशन, अगर हम लोग चाइजल प्लाव का हेल्प से जो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है नमी का कंजर्वेशन वहाँ पे कर सकते हैं सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 42 नंबर, बोटानिकली पाइन एप्पल इज, बोटानिकली जो है पाइन एप्पल फ्रूट क्या है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए सोरोसिस। तो जो पाइन एप्पल है एक तरह का क्या है, सोरोसिस फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 43 नंबर, एले क्रॉपिंग इज कल्चर प्रैक्टिस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, जो एले क्रॉपिंग है ये तरह कल्चर प्रैक्टिस है। तो इससे हम लोग किसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, एले क्रॉपिंग हम लोग अगर हम लोग एले क्रॉपिंग करते हैं अपने फील्ड में तो इससे हम लोग किसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन से पेस्ट को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राउन प्लांट हॉपर। तो जो एले क्रॉपिंग है ये एक ऐसा कल्चर प्रैक्टिस है जहाँ पे हम लोग ब्राउन प्लांट हॉपर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एले क्रॉपिंग होता क्या है। तो एले क्रॉपिंग जो एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस होता है जहाँ पे ट्रीज शर्ब्स एंड जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उसको जो है हम लोग ग्रो करते हैं अल्टरनेट रो में। अल्टरनेट रो मतलब क्या कि अगर हम लोग एक रो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रीज या शर्ब्स लगाएं तो यहाँ पे एक रो में फिर एग्रीकल्चर क्रॉप लगाएंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप है। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से अगर ट्री लगाए हैं तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग ट्री लगाए हैं यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे फिर से हम लोग क्रॉप लगाएंगे। तो यही कह रहा है एली क्रॉपिंग जो है तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस है जहाँ पे ट्रीज या फिर श्रब एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स को जो हम लोग ग्रो करते हैं अल्टरनेट रोज में। और जो ट्री है वो हम लोग कॉमनली प्रून करते हैं सो दैट कि जो है ये शेड यहाँ पे शेडिंग नहीं करे एग्रीकल्चर क्रॉप की। और एली क्रॉपिंग से क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है और जो इरोजन कंट्रोल भी होता है। तो ये जो है एली क्रॉपिंग काफी हेल्पफुल है कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वहाँ पे अच्छे से होता है और इरोजन भी जो है यहाँ पे कंट्रोल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्टिकल पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। तो जो ऑप्टिकल पायरोमीटर है ये हम लोग किस चीज को मेजर करने में यूज करते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर। जो ऑप्टिकल पायरोमीटर है ये इसके हेल्प से हम लोग हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर, न्यूट्रिशनली एग इज रिच सोर्स ऑफ, न्यूट्रिशनली एग जो है ये किस चीज का रिच सोर्स है। एग में जो है क्या जो है कौन सा प्रोटीन विटामिन क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो जो एग है ये न्यूट्रिशनली जो है यहाँ पे प्रोटीन भी ये रिच सोर्स है,
आयरन, फॉस्फोरस का भी रिसोर्स है, और उसके साथ ही साथ आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी जो है यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जो न्यूट्रिशनली एग जो है ये काफी ज्यादा रिसोर्स है, किसका किसका, प्रोटीन का, आयरन एंड फॉस्फोरस का, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? गिवन ऑप्शंस में से जो है कौन सा वायरल डिजीज यहाँ पे नहीं है, वायरल डिजीज क्या जो वायरस से नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैरा ट्यूबरक्लोसिस। जो पैरा ट्यूबरक्लोसिस है ये जो है एक तरह का वायरल डिजीज नहीं है, ये वायरस के नहीं होता है। बाकी जो फुट एंड माउथ डिजीज है, किंडर पेस्ट है, वॉक्स डिजीज है, ये तीनों जो है यहाँ पे वायरल डिजीज होता है, मतलब क्या कि वायरस यहाँ पे जो है काउजल ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर। द वर्ड म्यूटेशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, जो वर्ड म्यूटेशन ये किसने डिस्कवर किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ह्यूगो डिब्रीज। जो ह्यूगो डिब्रीज साइंटिस्ट है इन्होंने जो है म्यूटेशन का डिस्कवर किया था, और इन्होंने जो है फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन मतलब क्या, सडन हेरिटेबल चेंज इन द डीएनए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यूटेशन। मतलब अगर कोई भी सडन हेरिटेबल चेंज आता है कहाँ पे, डीएनए में, उससे क्या होता है जेनेटिक मटेरियल जो है किसी ऑर्गेन्स का चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं म्यूटेशन। और किसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, ह्यूगो डिब्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48 नंबर। विच वन इज अ टेम्परेट फ्रूट, जो गिवन ऑप्शन है इसमें से जो है टेम्परेट फ्रूट कौन सा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉलनट। जो वॉलनट है ये एक तरह का क्या है, टेम्परेट फ्रूट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वॉलनट है ये इसका एग्जाम्पल है, तो ये टेम्परेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर। बोटानिकल नेम ऑफ टी इज, जो टी है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर बॉटनिकल नेम क्या है टी का, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कैमेलिया साइनेंसिस। तो जो टी है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैमेलिया साइनेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। टाइप ऑफ एंटीना प्रेजेंट इन सिल्क वॉर्म इज, तो जो सिल्क वॉर्म है इसमें जो एंटीना प्रेजेंट रहता है ये किस टाइप का एंटीना प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय पेक्टिनेट। तो यहाँ पे जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म में किस तरह का एंटीना देखने को मिलता है, बाय पेक्टिनेट। जो एंटीना है, एंटीना का तीन पार्ट होता है, जैसे ये एंटीना है तो इसका तीन पार्ट होगा। जो बेसल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केप, जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और एक होता है जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाजिलम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये बेसल पार्ट है इसको बोलते हैं स्केप, जो मिडिल पार्ट है इसको बोलते हैं पेडिसल, और जो लास्ट पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आता है फ्लाजिलम। तो एंटीना का मेनली क्या तीन पार्ट होता है, और सिल्क वॉर्म का किस, सिल्क वॉर्म में किस तरीके का एंटीना प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे बाईपेक्टिनेट एंटीना देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इसका सेगमेंट्स भी पूछा जा सकता है कि एंटीना में कितने सेगमेंट्स होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। ध्यान रखना है कि जो एंटीना है तीन पार्ट रहता है, स्केप जो कि बेसल पार्ट है, बीच में मिडिल पार्ट जो है मेडिसल, देन फ्लाजिला। और जो यहाँ पे किसी भी इंसेक्ट में जो है सिंगल पेयर ऑफ एंटीना जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो मेजर फंक्शन होता है एंटीना का वो क्या क्या रहता है, तो यहाँ पे जो है इसका मेजर फंक्शन रहता है एज अ ऑर्गेन ऑफ स्मेल, टेस्ट। किसी किसी इंसेक्ट में जो यहाँ पे हियरिंग के लिए भी यूज होता है, जैसे कि मेल मॉस्किटो में, कहीं कहीं ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मोल क्रिकेट, यहाँ पे जो है ये सब का ये फंक्शन है। क्लैवेट किस में देखने को मिलेगा, जो क्लैवेट टाइप के जो एंटीना होते हैं ये आपको देखने को मिलेगा बटरफ्लाइज, ब्लिस्टर बीटल। इसके अलावा जो जेनिकुलेट है ये आपको देखने को मिलेगा बीज, एंट्स, विविल्स, इस टाइप के इंसेक्ट में आपको एंटीना जो है जेनिकुलेट एंटीना देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। बर्ड्स रेयर फॉर द मीट प्रोडक्शन इज नोन एज, जो बर्ड्स को हम लोग रेयर करते हैं सो दैट कि वो मीट प्रोड्यूस करें उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रॉयलर। जो ब्रॉयलर टाइप के जो होते हैं बर्ड्स, यहाँ पे जो है उसको रेयरिंग किया जाता है सो दैट वहाँ पे मीट प्रोडक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। द टेस्ट क्रॉस रेशियो इन कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन इज, तो जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन वो कितना होता है, तो कितना होता है 1:3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1:3। तो जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन में तो होता है 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 53 नंबर। कट लीफ विद फ्लोटिंग इन वाटर इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम ऑफ, जो यहाँ पे क्या होगा आपको छोटे 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 टुकड़े देखने को मिलेंगे लीफ के, तो कट लीफ और छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, क्या होगा वाटर में वो फ्लो करेगा, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं लीफ के उसके छोटे छोटे पार्ट जो है तैरते हुए दिखे दिखने को मिलेंगे, तो जो ये किसका सिम्टम है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसवा। तो ये जो है राइस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो राइस है तो जो राइस में अगर जो कट लीफ जो है वो, अगर उसका जो लीफ है वो छोटे छोटे पोर्शन उसका अगर फ्लोट करता है वाटर में, तो यहाँ पे क्या होता है कि केसवॉर्म का अटैक रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, द कन्वर्जन फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग फॉस्फरस फ्रॉम P2O5। अगर यहाँ पे कह रहा है जी कन्वर्जन फैक्टर जो होता है, अगर हम लोग फॉस्फोर कैलकुलेट करना है फ्रॉम P2O5, अगर P2O5 का जो हम लोग को वैल्यू दे रखा है और हम लोग को फॉस्फरस वहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग वहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन डी, P2O5 × 0.44। ये जो है कन्वर्जन फैक्टर है, अगर इसको हम लोग जो P2O5 इसका वैल्यू दे रखा है इसको इंटू करते हैं 0.44 से, तो हम लोग यहाँ पे फॉस्फरस का जो वैल्यू है यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 55 नंबर, ऑरिजिन ऑफ एप्रिकॉट इज फ्रॉम, जो एप्रिकॉट है ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? तो ये ईस्ट चाइना से जो है इसका ऑरिजिन है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ईस्ट चाइना। तो जो एप्रिकॉट है ये कहाँ से ऑरिजिन हुआ है? तो ईस्ट चाइना से ऑरिजिनेट हुआ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ईस्ट चाइना या साउथ चाइना, को ध्यान रखना है जो एप्रिकॉट है ईस्ट चाइना से मेनली ऑरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, द K2O कंटेंट इन एलाइट वेरीड बिटवीन, जो एलाइट है इसमें जो K2O का परसेंटेज होता है वो कितना रहता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन है 6 to 10%। तो जो K2O कंटेंट रहता है हाइलाइट में ये 6 to 10% वैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर, द रिपीटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज, जो रिपीटेशन होता है किसी भी ट्रीटमेंट का अंडर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रेप्लीकेशन। तो रेप्लीकेशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का जो है यहाँ पे रिपीटेशन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन अगर जब कर रहे होते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, मीका इज अ टाइप ऑफ क्ले मिनरल, तो जो मीका ये किस टाइप का क्ले मिनरल है? तो यहाँ पे जो है ये 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो जो मीका है आपको ध्यान रखना है कि ये 2:1 क्ले मिनरल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 59 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस, कौन सा जो है ये मोनोफेगस पेस्ट है राइस का? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, येलो स्टेम बोरर। येलो स्टेम बोरर है ये मोनोफेगस पेस्ट है राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 60 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन, गिवन ऑप्शन में से जो है कौन सा ये प्रोटीन नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन सी, राइबोजाइम। राइबोजाइम जो है ये प्रोटीन नहीं है, इसके अलावा मैक्रोजाइम, डीएनए पोल, जाइमेज, ये सब जो है ये प्रोटीन है, बट जो राइबोजाइम है ये प्रोटीन नहीं है। राइबोजाइम के वजह से जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, बट जो राइबोजाइम है ये खुद एक प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, एविवस्त्रा अ फाइन वुल ब्रीड डेवलप बाय क्रॉसिंग राम बुलेट रैम्स विद, तो जो अविवस्त्रा है एक तरह का क्या है, फाइन वुल ब्रीड है जो कि डेवलप किया है बाय क्रॉसिंग राम बुलेट रैम्स विथ, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे किसका क्रॉसिंग हुआ, राम बुलेट रैम्स का किसके साथ क्रॉसिंग हुआ जिसके वजह से हम लोग एक फाइन उल ब्रीड मिला है जिसको बोल रहे हैं अभिवस्त्रा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, चोकला। जो चोकला है इसको इसको क्या किया गया, क्रॉसिंग किया गया है राम बुलेट रैम्स के साथ जिसके वजह से हम लोग एक फाइन उल ब्रीड मिला है, इसको क्या बोल रहे हैं, अभिवस्त्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक स्ट्राटा इज, सबसे घना वाला पार्ट कौन सा है? जो एटमॉस्फेरिक स्ट्राटा है इसमें से सबसे घना वाला पार्ट, डेंसेस्ट पार्ट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है ये काफी घना है, बहुत ज्यादा डेंसेस्ट पार्ट है एटमॉस्फेरिक स्ट्राटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 63 नंबर, प्रोसेस्ड ग्रीन नट्स ऑफ अरेका नट आर कॉल्ड, जो ग्रीन नट जो रहता है अरेका नट का इसको हम लोग प्रोसेस कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं काली पाक। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, काली पाक। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अरेका नट जो होता है उसको ग्रीन नट को हम लोग प्रोसेस कर देते हैं, आप प्रोसेसिंग अगर हम लोग मेथड यूज करके उसको प्रोसेस कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो काली पाक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 64 नंबर, ब्लैक कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू, जो सॉइल है उसका ब्लैक कलर क्यों होता है? किसी भी पर्टिकुलर सॉइल का ब्लैक कलर किसके प्रेजेंस की वजह से होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टिटैनिक फेरस मैग्नेटाइट। तो किसी भी सॉइल का जो ब्लैक कलर होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टिटिनिफेरस मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 65 नंबर, ट्री ऑफ पैराडाइज इज कॉल्ड, तो ट्री ऑफ पैराडाइज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बनाना। हम लोग ट्री ऑफ पैराडाइज किसको बोलते हैं? तो बनाना को हम लोग ट्री ऑफ पैराडाइज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 66 नंबर, अंगोरा इज नेटिव ऑफ, जो अंगोरा है जो अंगोरा ब्रीड है ये कहाँ का नेटिव है? तो जो अंगोरा है ये मेनली कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो टर्की में देखने को मिलेगा, ये टर्की का नेटिव है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अंगोरा है ये टर्की का नेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टर्की। जो अंगोरा है ये क्या एग्जॉटिक ब्रीड है डेयरी गोट का,
तो जो अंगोरा है किसका एग्जाम्पल है, एक्सॉटिक ब्रीड है डेरी गोट का। इसके जो हेयर्स होते हैं उसको यूज करते हैं एज अ उल, उसको हम लोग बोलते हैं मोहेर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अंगोरा है एक तो क्या एक्सॉटिक ब्रीड है डेरी गोट का, इसके अलावा इसका नेटिव कहाँ टर्की का है, और इसका जो हेयर है उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ उल पर्पज के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मोहेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 67 नंबर। द डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म इज मैनेज ओनली थ्रू मदर माउथ एग्जामिनेशन। ठीक है, जो डिजीज है सिल्क वॉर्म का उसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं, तो मदर माउथ एग्जामिनेशन करते हैं। जिसको कौन सा डिजीज को ऐसा करते हैं मदर माउथ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फेब्रीन। तो जो फेब्रीन डिजीज होता है सिल्क वॉर्म में, इसको हम लोग कैसे इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मदर माउथ एग्जामिनेशन। तो अगर हम लोग मदर माउथ एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोग फेब्रीन डिजीज के अटैक का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 68 नंबर। विन ब्लास्टिन ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो विन ब्लास्टिंग ड्रग है इसको हम लोग किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विसिया। विसिया है, यहाँ से हम लोग विन ब्लास्टिंग ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 69 नंबर। स्क्रू पाइन इज द कॉमन नेम ऑफ विच एरोमेटिक प्लांट। जो स्क्रू पाइन है ये कॉमन नेम है किस एरोमेटिक प्लांट का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिट्रोनेला। तो जो स्क्रू पाइन है ये कॉमन नेम किसका है, सिट्रोनेला का है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिट्रोनेला एक तरह का एरोमेटिक प्लांट है और इसका जो कॉमन नेम है वो है स्क्रू पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 70 नंबर। विच टेस्ट इज यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंस। तो कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं जिससे हम लोग टेस्ट कर सके किसी भी मीन डिफरेंस का सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टी टेस्ट। तो मेनली हम लोग टी टेस्ट यूज करते हैं जिससे हम लोग टेस्ट मतलब पता लगा सकता है कि जो सिग्निफिकेंस है किसी भी मीन डिफरेंस का वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 71 नंबर। डोमेस्टिक क्वारंटीन मेजर्स हैव बीन इम्प्लीकेटेड अगेंस्ट। जो डोमेस्टिक क्वारंटीन मेजर्स हैं ये किसके अगेंस्ट हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से जो किसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक क्वारंटीन मेजर्स कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सैन जोस स्केल। तो जो सैन जो स्केल है इसके अगेंस्ट हम लोग डोमेस्टिक क्वारंटीन मेजर्स जो है वो हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 72 नंबर। वेदरिंग स्टेज इन सॉइल फॉर्मेशन वॉज गिवन बाई। तो वेदरिंग का डिफरेंट स्टेज होता है, ओके, तो किसी भी सॉइल फॉर्मेशन का डिफरेंट वेदरिंग स्टेज होता है, ये किसके द्वारा दिया गया है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको दिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मोहर। जो मोहर है ये जो साइंटिस्ट इन्होंने जो है वेदरिंग डिफरेंट वेदरिंग स्टेज दिया है किसी भी सॉइल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 73 नंबर। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, जो ग्लाइकोलाइसिस है यहाँ पे इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, मतलब जो लास्ट में जो इसका प्रोडक्ट है इसका जो नेट रिजल्ट जो निकलता है ग्लाइकोलाइसिस का वहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे जो है मेनली पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पायरुवेट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, पायरुवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 74 नंबर। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर IITA वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। जो इन IITA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, तो ये 1968 में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1968। तो आपको ध्यान रखना है कि IIT का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता था, IITA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, ये इसको कब फॉर्म किया गया था, तो 1968 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 75 नंबर। सम टोटल ऑफ डेलिटेरियस जीन्स प्रेजेंट इन स्पीशीज इज नोन एज। जो सम टोटल होता है डेलिटेरियस जीन का किसी भी स्पीशीज में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जेनेटिक लोड। जेनेटिक लोड मतलब क्या होता है कि कभी किसी भी डेलिटेरियस जीन का अगर हम लोग सम टोटल करते हैं वो किसी भी स्पीशीज में प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 76 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ फ्लावर्स। किसको हम लोग जो है क्वीन ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लैडियोलस। जो ग्लैडियोलस है इसको क्वीन ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानते हैं, ये काफी फेमस है, क्वीन ऑफ फ्लावर्स है कौन, ग्लैडियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले मैं आप सबको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि ICAR जेराफ एग्जाम, ASRB नेट एग्जाम्स, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, स्टेट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर AHO, DHO एग्जाम्स, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स, FSSAI ऑल एग्जाम्स, FCI AGM, FCI AG3, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम्स, IBPS AFO एग्जाम्स, NABARD एग्जाम्स, RRB एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम्स, फिशरीज एग्जाम्स,
फॉरेस्ट्री एग्जाम्स, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, DDA, DSSBSO जो कि हॉर्टिकल्चर एग्जाम है, एंड मेनी अदर एग्जाम्स। तो ये सारे कोर्स के जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आप इस समय से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सबकी कोर्स जो है अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको दिया जाएगा ई बुक्स जो कि PDF फॉर्मेट में रहेगा। इसमें आपको वीडियो सेशंस मिलेंगे, इसमें आपको यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ हम लोग एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए करेंगे जिसमें MCQ के फॉर्मेट में वहाँ पे क्वेश्चन दिए रहेंगे। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल हैं जो कि पूरे सिलेबस को कवर करेगा। टेस्ट सीरीज से आपको ये फायदा है कि आप खुद को एग्जामिन कर सकते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं जिससे आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। इसके साथ ही साथ आपको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाएगा जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगा। यहाँ पे जो आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, इसके साथ ही साथ जो है टेस्ट सीरीज भी हर सब एग्जाम्स के अवेलेबल हैं। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एग्रीकल्चर लाइफ स्किल्स से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। जो आप इस कोर्स का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से डायरेक्टली इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट करके अपने कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी कोर्स की डिटेल्स चाहिए तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने हमारा एग्रीकल्चर जीके ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल करें। वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। वहाँ पे सारे सारे एग्रीकल्चर अलाइड एग्जाम्स के जो कोर्स है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। आप उसको ज़रूर जाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें और वहाँ पर भी आप जो है काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप भी हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। हमारे जो टीचर्स है काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छे से आपको गाइड करेंगे जिससे आप इजिली कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स में जो है आप क्रैक कर पाएंगे। चलिए अपना सेशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। अमेंडमेंट ऑफ DIP एक्ट वॉज डन इन द ईयर। जो अमेंडमेंट हुआ था DIP एक्ट का तो वो क्या 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 कह रहा है कि कौन से ईयर में हुआ था। तो जो अमेंडमेंट हुआ था DIP एक्ट का तो वो जो है 1992 में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1992। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमेंडमेंट हुआ था DIP एक्ट का वो कौन से ईयर में किया गया था, तो वो किया गया था 1992 में। यहाँ पे जो है DIP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट। तो जो अमेंडमेंट किया गया था DIP एक्ट में वो कब किया गया था, 1992 में, और इसको इंट्रोड्यूस कब किया था डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट को, तो 1914 में जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अमेंडमेंट पूछा है, इंट्रोडक्शन नहीं। अगर यहाँ पे पूछा पूछा होता कि इसका इंट्रोड्यूस कब किए थे हमने, कब जो है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट लाया था, तो 1914 में लाया था, बट इसका अमेंडमेंट कब हुआ था, तो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78 नंबर। मेजर जीन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड। जो मेजर जीन रेजिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो मेजर जीन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉप वेराइटी ऑफ मैंगो। मैंगो का ड्रॉप वेराइटी कौन सा है इसमें से, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आम्रपाली। जम्रपाली है कि मैंगो का ड्वार्फ वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कोरिलेशन लाइज बिटवीन। जो कोरिलेशन है इसका जो रेंज है वो क्या होता है, तो कोरिलेशन जो है +1 से -1 में जो है ये लाई करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी +1 to -1। तो आपको ध्यान रखना है जो कोरिलेशन है ये जो है +1 से -1 जो है ये यहाँ पे रेंज जो इसका लाई करता है कोरिलेशन का, और आपको इसका वैल्यू याद रखना होगा। जो कोरिलेशन कोफिशियंट है ये एक तरह का क्या है, स्टैटिस्टिकल मेजर है जहाँ पे ये स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बताता है कोई भी रिलेटिव मोमेंट्स ऑफ टू वेरिएबल में। और ये जो है कोरिलेशन क्या होता है, तो एक तरह का क्या स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि किसके बीच में लाई करता है, तो +1 to -1 के बीच में जो है ये लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 81 नंबर। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग इज नोन एज। अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी अनफर्टिलाइज एग मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे एग जो भी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका जो अगर यहाँ पे
पॉपुलेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पे अगर फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल बॉडी पार्ट का, उसको हम लोग वहाँ पे फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे प्लांट के केस में क्या हो जाएगा, एग है या फिर ओवरी हो सकता है, और या फिर हम लोग यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है अगर ये दोनों का फ्यूजन होता है तो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अनफर्टिलाइज एग क्या, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ इसलिए हम लोग यहाँ पे अनफर्टिलाइज एग बोल रहे हैं। अगर ऐसा एम्ब्रियो जो डेवलप करा है फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग तो उसको क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पार्थेनोजेनेसिस। तो अगर भी कभी भी अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी अनफर्टिलाइज एग से तो उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 82 नंबर, हैन एंड चिकन इज अ डिसऑर्डर ऑब्जर्व इन, जो हैन एंड चिकन डिसऑर्डर है कहाँ किस फ्रूट में ऑब्जर्व होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ग्रेप्स। जो हैन एंड चिकन डिसऑर्डर है ये मेनली ग्रेप्स का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 83 नंबर, डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट ऑन द बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज। जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट देखने को मिलता है किसी भी होस्ट प्लांट की बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीबायसिस। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एंटीबायसिस। एंटीबायसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो होस्ट प्लांट है वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट या फिर डेट्रीमेंटल इफेक्ट या फिर बोल सकते हैं एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन द बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट में, तो उसको बोलते हैं एंटीबायसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, महुआ इज अ रूट स्टॉक ऑफ, जो महुआ है ये किसका रूट स्टॉक है, तो ये सपोटा का जो है रूट स्टॉक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सपोटा। जो आपको ध्यान रखना है कि जो महुआ है ये सपोटा का रूट स्टॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 85 नंबर, ऑर्डर ऑफ एलुवियल सॉइल इज, तो जो एलुवियल सॉइल है इसका ऑर्डर क्या है, तो ये जो है एंटी सोल है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एंटी सोल। तो ऑर्डर ऑफ एलुवियल सॉइल इज एंटी सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 86 नंबर, हु इज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है इसके फादर कौन है। यहाँ पे क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी जेपी लिगेंस। तो जो जेपी लिगेंस है ये जो है ये फादर है एक्सटेंशन एजुकेशन के। आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर कौन है, तो जेपी लेगेंस जो है ये फादर है एक्सटेंशन एजुकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 87 नंबर, क्या बोल रहा है, द टर्म थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स रेफर टू, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स हम लोग किसको रेफर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड। जुवेनाइल हार्मोन होता क्या है, तो जुवेनाइल हार्मोन ऐसा हार्मोन है जहाँ पे जो ये जुवेनाइल स्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो मेनली कॉर्पोरा अलाटा जो होता है ग्लैंड, ये जो है जुवेनाइल हार्मोन को यहाँ पे क्या करता है, रिलीज करता है। आपको ध्यान रखना है कि जुवेनाइल हार्मोन किससे रिलीज होता है, तो कॉर्पोरा अलाटा से। और जो एक एक डाइसॉन होता है, ठीक है, एक डाइसॉन क्या है, मॉल्टिंग हार्मोन है। यहाँ पे जो है ये मॉल्टिंग प्रोसेस होने में जो है ये हेल्प करता है मॉल्टिंग हार्मोन, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक डाइसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, द कोन ऑफ एक्सपीरियंस वॉज डेवलप बाई, जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ये किसने डेवलप किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एडगर डेल। जो साइंटिस्ट एडगर डेल है इन्होंने ही जो है कोन ऑफ एक्सपीरियंस का जो है यहाँ पे डिस्कवरी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 89 नंबर, विच फ्रूट इज नोन एज बटर फ्रूट, किस फ्रूट को हम लोग बटर फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एवोकाडो। एवोकाडो जो फ्रूट है इसको हम लोग बटर फ्रूट से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, डैश ऑफ इग्नियस रॉक फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में जो इग्नियस रॉक कितने परसेंटेज में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 95%। इग्नियस रॉक जो है यहाँ पे 95% जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 91 नंबर, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट आयंस इज रेगुलेटेड बाई, जो सोल्यूट आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये कौन रेगुलेट करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, जाएगा ऑप्शन डी प्लांट सेल मेम्ब्रेन। जो प्लांट का सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे जो है ये सोल्यूट आयंस का जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करता है, ये इसको रेगुलेट करता है कि कितना एब्जॉर्ब करना है कितना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन इन इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, जो फर्स्ट इरिगेशन कमीशन था इंडिया में ये कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ था। ये 1901 में जो है यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1901। आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट इरिगेशन कमीशन आया था इंडिया में वो 1901 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 93 नंबर, वेयर इज द सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, जो सेंट्रल सॉइल एंड कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये देहरादून में लोकेटेड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में। तो जो देहरादून में ही जो है जो सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं CSWCRTI,
ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये देहरादून में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 94 नंबर, विटामिन बी टू इज प्रोड्यूस बाय, जो विटामिन बी टू है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन है अश्भया गॉसिपी। जो अश्भया गॉसिपी है ये जो है विटामिन बी टू जो है यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, एनर्जी पैरासाइट, इसमें से जो है गिवन ऑप्शन में से कौन सा एनर्जी पैरासाइट है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लैमिडिया। जो क्लैमिडिया है ये एक तरह का एनर्जी पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर, व्हाट इज द रेंज ऑफ सिलिका एंड न्यूट्रल रॉक्स? तो सिलिका का जो है वो कितना रेंज होता है किसी भी न्यूट्रल रॉक्स में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 41 to 50%। तो यहाँ पे देखिए आप सारा ऑप्शन जो है काफी थोड़ा रेंज थोड़ा क्लोज है, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि 41 से 50% जो है सिलिका पाया जाता है न्यूट्रल रॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 97 नंबर, ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व, जो ट्रांसलोकेशन है ये क्या इन्वॉल्व करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होमोलोगस क्रोमोजोम। तो जो ट्रांसलोकेशन है ये मेनली होमोलोगस क्रोमोजोम का ट्रांसलोकेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, व्हेन वाज द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च? जो KCC है जिसको हम लोग बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, ये कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1998। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये 1998 में जो है लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 99 नंबर, एप्पल कलर इज कल्टीवर ऑफ विच क्रॉप? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो गिवन ऑप्शन में से जो है कौन सा जो है एप्पल कलर जो है वेराइटी है किस क्रॉप का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुआवा। तो एप्पल कलर जो है ये गुआवा का वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट बायोटाइप्स इज ऑब्जर्व इन द इंसेक्ट ग्रुप? तो जो मैक्सिमम नंबर जो मिलता है इंसेक्ट बायोटाइप में ये कौन से इंसेक्ट ग्रुप में जो है ऑब्जर्व किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एफिड्स। जो एफिड्स हैं यहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट बायोटाइप जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर अगर आप हमारे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को हिट करें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमने जो है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बनाया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पे जो ग्रुप है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का, वहाँ पे जो डेली स्टूडेंट्स का ग्रुप डिस्कशन होता है, अगर आप वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आप जो है काफ़ी कुछ डिस्कस करके सीख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे डेली नोट्स मिलेंगे, PDF प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको डेली जॉब अपडेट्स दिया जाएगा जिससे आप टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, आपको कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म मिस नहीं होगा। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जल्द कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जो है यह PDF अवेलेबल हो जाएगा। हमने जो है अपना व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन करें और इस PDF को डाउनलोड करें। ये PDF में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और ये आगे भी एग्जाम से रिपीट हो सकते हैं, तो आप जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप वो हमें पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से आप जो है कोई भी कोर्स का डिटेल दे सकते हैं, या फिर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर या फिर अलाइड फील्ड की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें। हमारे ऐप का नाम है एग्रीकल्चर एंड GK ऐप, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी जो है कोर्स को एफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं। अभी काफ़ी कोर्स में ऑफर्स भी चल रहे हैं तो आप वहाँ पे बेनिफिट उसका ले सकते हैं। बाद में ये ऑफर्स खत्म हो जाएंगे जिससे प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसलिए अगर अभी आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको काफ़ी कम दाम में जो है ये आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं या फिर आप ऐप के थ्रू भी जो है किसी भी कोर्स को ले सकते हैं। चलिए आई होप आप जो है ऐप को डाउनलोड करिएगा और इसके अलावा अगर आपको कोर्स लेना है तो आप वहाँ से लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोर्स है, काफ़ी सब चीज़ सीक्वेंस में है, पूरे सिलेबस को कवर किया गया है कोई भी एग्रीकल्चर लाइट फील्ड के कोर्स का। और हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अब भी हो सकता है अगर आप वहाँ कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।